बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? ये देखें जी, इसका मतलब होता है सिंपल वर्ड में हमने कह लें पास आउट इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सब्सटेंस में विदाउट एनी चेंजिंग इन इट्स कंपोजिशन। ठीक हो गया। जैसे आपने वायर्स देखी होती हैं उसमें से करंट पास करते तो उसकी कंपोजिशन नेवर चेंज। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। समझाई बात की? और ज़्यादातर ये फीचर होता है किसका बेटा जी? मेटल्स। हमने पढ़ा है मेटल आर गुड कंडक्टर, पढ़ा है कि नहीं, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। वजह क्या होती है, रीज़न क्या होती है, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है मिक मेटल, देखिए इसमें क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब अब इसको हम किसी वायर से जोड़ते हैं, सोर्स से जोड़ते हैं, तो ये एक सिमत में बहना शुरू हो जाते हैं और इस तरह इसमें से करंट बहना शुरू हो जाता है। हमने देखना है बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है जी। चलें जी ट्रेंड देखते हैं इसका जी पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे पहले क्या है, लेफ्ट टू राइट, क्या बेटा जी, इन पीरियड। तो क्या होती है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? ये देखो जी, ये जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट इस पे हाई होती है और जो राइट साइड होती है इस पे क्या होती है, लो। वाई? क्योंकि लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, ठीक हो गया, और राइट साइड पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये वजह है जी। तो और इसी तरह लेफ्ट साइड पे लोअर होती है, मिडल में लोअर होती है। मिडल में क्यों लोअर होती है? क्योंकि मिडल में कौन सी चीज़ होती है बेटा जी, मेटलॉइड्स। क्या होती हैं जी? मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स होती हैं। इसलिए तो ये जी पीरियोडिक टेबल में होती हैं, सेंटर में जिसे कहते हैं। और आपका जो क्या साइड है, जो राइट साइड है, उसके अंदर नगलीजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। उसके बाद ग्रुप नंबर आपका जी 1A एंड 2A बेटा जी, जो टॉप टू क्या होता है जी, टॉप टू बॉटम, ठीक है बच्चों। ये क्या है जी, ये डिफरेंट होता है, ठीक हो गया, समझे बात की। और वेरिएशन होती है ऑफ डिफरेंट एटम्स, क्या होती है जी, लेकिन आम तौर पे जनरली जो है ना, ये ट्रेंड इंक्रीज होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस की जो रेंज होती है उससे दूर चले जाते हैं और अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करती है। इसी तरह ग्रुप जो आपका है जी 1B, कौन सा जी, 1B की मेटल्स हैं, उनको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं, कॉइन सिक्के बनते हैं उससे, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक्स्ट्रा। और ये ऑलरेडी आपको पहले ही मैंने बताया है कि इनकी कंडक्टेंस जो है ना डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर्स, किस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा ग्रुप नंबर 6A एंड 7A, ये लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करती हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टर्स। ये क्या हैं? और ये नॉन मेटल्स भी हैं, दूसरी बात ये है। उसके बाद ये ट्रांजिशन जो है ना, ये मैंने पहले बता दिया है कि जो ट्रांजिशन है इनमें क्या करता है बेटा जी, वेरी करता रहता है। बिकॉज इट डिपेंड अपॉन देयर, बिकॉज दे शो दी मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल स्टेट, दे हैव
डिफरेंट ट्रेंड्स देन द जनरल। उसके बाद कार्बन है, तो कार्बन के अंदर बेटा जी होता है जी आपका डायमंड। क्या है? डायमंड। ठीक है, अब देखो जी डायमंड जो है ये कहते हैं जी नॉन कंडक्टर होता है। क्या होता है जी? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो फ्री स्पेस नहीं होती और इसकी जो शेप्स होती है वो टेट्रा हेड्रल होती है। ठीक हो गया, समझाई बात की? इस वजह से ये अच्छी कंडक्टर नहीं है, फ्री नहीं होती, अनेबल टू फ्रीली मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कौन सी? वो भी कार्बन होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो फेरेली। क्या चीज़ बेटा जी? इतनी स्ट्रांगली नहीं, लेकिन फेरेली जो है वो कंडक्टर है। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यही है कि उसमें जो है ना फोर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिवली इजीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर कौन सा बेटा जी? 4A। कौन सा जी? 4A जो है जिसमें टिन है, और कौन है बेटा जी? टिन है एंड लेड है, Pb। ठीक है, ये भी फेयरली गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो एज़ कंपेयर टू किससे जी? ग्रुप नंबर 1 से और थोड़ी कम है। ठीक है जी, ये था जी हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की वो काबिलियत जिसमें क्या करती है, वो कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देती है विदाउट चेंजिंग एनी फिजिकल कंपोजिशंस, उसकी कंपोजिशंस में।